हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अमरजीत। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं अपने रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट यानी जो हमारा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है आई कॉफी, उसका एक और बेहतरीन और शानदार टेस्टिमनी के साथ। आज मैं आपको लेकर चलता हूं पश्चिम बंगाल, जहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं संजीत कुमार जी। तो आइए जानते हैं संजीत जी से कि उन्होंने आई कॉफी का इस्तेमाल किस पर्पज से किया, किस उद्देश्य, और उनको आई कॉफी इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या फायदे मिले। तो ओवर टू यू संजीत जी। नमस्कार, मैं संजीत कुमार, फॉर्म कलकत्ता नॉर्थ 24 परगना कचरा पारा। मैं यहाँ रेलवे में टेक्नीशियन हूँ, टेक्नीशियन 1 पोस्ट पर मैं तैनात हूँ। मुझे डायबिटीज लगभग 7-8 साल से थे, ठीक है, अभी भी है ही। मैं लगभग में एलोपैथिक आयुर्वेदिक बहुत सा दवा खाया, ठीक है, जिसमें टैबलेट डायनाग्लिप M4 1000 mg का सुबह नाश्ते से पहले लेता था, और एक दोपहर में डिपार्ट्रेन M10x5 mg 500 mg दोपहर में चावल खाने से पहले लेता था। मेरा पहले का रिपोर्ट था मार्च 14 मार्च 2022 में 22 का रिपोर्ट था कि HbA1c 7.6 था, और मैं लगभग में एक मेरे ही सहकर्मी हैं मुन्ना जी, उनके थ्रू मैं आई कॉफी लेना शुरू किया हूँ लगभग में जुलाई से, और एक महीने का रिजल्ट है कि उसे पीने के बाद मुझे डायबिटीज, मतलब जैसे पहले मतलब शरीर में एनर्जी नहीं रहती थी, अब थोड़ा सा महसूस अच्छा हो रहा है, और उसके बाद जो है HbA1c का रिपोर्ट 6.3 अगस्त में, मैं एक महीने बाद में कराया, ठीक है। उसके बाद जो है ये बहुत अच्छी चीज है, उसे खाने के बाद, उसे पीने से मैं सुबह फास्टिंग मना खाना खाने से आधा घंटा पहले खाली पेट में लेता हूँ एक पुड़िया, और शाम में मना टी टाइम का जब 6 बजे 6:30 बजे के लगभग में एक पुड़िया खा लेता हूँ, ठीक है। और उससे पीने के बाद मुझे बहुत एनर्जी भी महसूस होती है, यहाँ तक कि मेरे शरीर में थोड़ा सा आया थी वेट उठा वो भी कम हो गई है, मना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे ये बीमारी है कोई, अपने आप को मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मैं यही कहूँगा कि आई कॉफी बहुत अच्छा चीज है। काश ये मुझे पहले मिला रहता तो मेरा स्तर डायबिटीज का और कम हो जाता। बहुत खुशी हुई संजीत जी आपके टेस्टिमनी के बारे में जानकर। तो यहाँ मैंने एक लाइन बीच में सुनी, आपने कहा कि आपका वेट भी यानी वजन भी पहले के मुकाबले पहले लगभग में जो था 186 के आसपास में था, ठीक है, तो बहुत पहले की बात है। बीच में जब गया तो मेरा 80 आया, और जब आई कॉफी लेना शुरू किया हूँ तो लगभग में 74 के आसपास में है, और चेहरा जो है लगभग में पहले के मुताबिक अब हो गया, तो लोग कहते हैं बहुत दुबला गया है, बहुत पतला हो गया है, क्या हो गया है, ठीक है। मैं साथ में इसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, और जो डायबिटीज का जो भी बर्नेम होता है वो भी परहेज करता हूँ लगभग। मुझे तो आशा है कि अगर मैं ये लेता रहूँ तो हमें एलोपैथिक जो अभी ले रहा हूँ वो छोड़ दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संजीत जी, आपकी तरह ऐसे पर्सन है जो अपनी डायबिटीज से पूरी तरह छुटकारा पा चुके हैं, चाहे वो मेडिसिन पे थे जैसे आप अभी दवाइयों पे हैं, चाहे इंसुलिन पे थे, आई कॉफी के लगातार इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे वो अपनी दवाइयों से पूरी तरह छुटकारा पाके आज वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे पहले जीते थे। और साथ में जैसा आपने बताया, आपको लोग कह रहे हैं कि आप दुबले हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। जितने आपकी हाइट और आपकी उम्र के हिसाब से आपके शरीर का वजन होना चाहिए वो वापस आ रहा है, कम्फर्टेबल भी यानी आपका वजन वो हो रहा है। हाँ ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि पहले मैं जब डॉक्टर के पास जाता था
तो वो हाइट के अनुसार बोलते थे कि तेरा देख हुआ हाइट के अनुसार 76 रहना चाहिए, जो तुम्हारा 87 है, कभी 80 प्लस ही रहता था। लेकिन अब क्या है कि अभी जब से मैं ले रहा हूँ तो मेरा 75 से नीचे ही रह रहा है। तो बहुत खुशी की बात है कि आई कॉफी से आपको इतना वंडरफुल रिजल्ट मिला, डायबिटीज भी बैलेंस हो रही, साथ में आपके शरीर का वजन भी मेंटेन हो रहा है। संजीत जी, इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं जरूर जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, एलोपैथिक का क्या है कि साइड इफेक्ट है, बहुत कुछ है, और आयुर्वेदिक का है कि अगर वो सूट कर गया और अच्छा लग रहा है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं जी। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर जितने जो भी है डायबिटीज पेशेंट, इसे लेकर के लगभग रेगुलर 3 से 4 महीने सुबह और शाम कंटिन्यू करे, और खाने से पहले जो है क्या नाम है HbA1c करा ले, टेस्ट करा के इसको यूज करे, और 3 से 4 फाइल खाने के बाद फिर कराए तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद संजीत जी, आपने अपना समय दिया और अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर की। तो मैं आशा करता हूँ कि संजीत जी द्वारा बताई गई ये जानकारी से जितने भी हमारे लोग हैं, खास करके जो डायबिटिक लोग हैं जिनको शुगर यानी मधुमेह की समस्या है, वो जरूर इससे प्रभावित हुए होंगे, और वो भी आई कॉफी को अपनाकर अपने आप को भविष्य में डायबिटिक से नॉन डायबिटिक कैटेगरी में वापस ला सकते हैं। और जो लोग मेरी तरह हैं, यानी कि जो ऑलरेडी नॉन डायबिटिक हैं, तो ऑलरेडी हम जानते हैं, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि आने वाले समय में 2025-30 तक भारत की आधी आबादी डायबिटिक होने वाली है। तो या तो आज हम इंतजार करें कि डायबिटीज का शिकार हो जाएं, पूरी जिंदगी फिर दवाइयां खाएं, उसके साइड इफेक्ट झेलें, या आज चाय और कॉफी को रिप्लेस करके आई कॉफी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने आप को पूरी जिंदगी नॉन डायबिटिक बनाए रखें, साथ में 15 फायदे भी लें। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद संजीत जी आपके समय के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।